सो हेलो गाइस, मॉर्निंग, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तर आज इनके स्टार्टिंग दोबारा गांव से दिन स्टार्ट हो रखा है अपना हमेशा की तरह। तो अभी भाई ब्रेकफास्ट करके चल दिए हम दुकान की तरफ। सुबह सफाई वगैरह करके आ चुके थे वहां से। अभी पापा बैठे हैं वहां पे। पापा जी को भाई खेत में भी जाना है क्योंकि आज गम पहनाने वाले दोबारा। तो चलते हैं दुकान पर, पापा जी को भेजते हैं घर, फिर हो जाएंगे खेत में। फिर थोड़ी देर में हम भी जाएंगे जब देखेंगे जाके क्या कुछ चल रहा है वहाँ। तो चल दुकान पर चलते हैं, लेट्स गो। तो कैसे आप लोग लोग टट 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 लोग लोग टट 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 टट। भाई अभी एक कस्टमर बैठा है दुकान पापा जी के पास, तो उसको अटेंड करने में काफी टाइम लग गया पापा जी को। तो अभी भी गए हैं पापा घर पे, थोड़ी देर में वो ट्रैक्टर लेके जाए खेत में, फिर हम भी चलते हैं देखते हैं क्या कुछ सीन है। और भाई मौसम चेंज होना स्टार्ट हो चुका है, ठंड लगनी शुरू हो चुकी है। सुबह से देख सकते हो अब धूप निकली है बाहर और पंखा भी भाई अभी मैंने कम किया है। ये अभी फिलहाल थोड़ी देर बैठते हैं दुकान पे, फिर देखते हैं क्या कुछ करना है। सो गाइस अभी आ चुके हैं घर पे, काफी टाइम हो चुका है दुकान पे बैठे बैठे, कम से कम एक डेढ़ घंटा हो चुका था मेरे को। और अभी का सीन कुछ ऐसा भाई कि देखो कंपैन तो आई नहीं थी खेत में, और पापा जी भाई खेत में ट्रैक्टर लेके अपना खेत बहाने के लिए चले गए हैं। और काफी टाइम हो चुका है पापा जी को, अभी चलते हैं खेत में, पानी वगैरह या लस्सी वगैरह जो भी है पिला के आते हैं पापा को। तो चलो यार चलते हैं। तो गाइस खेत में पानी पिला के पापा जी को आ चुका था मैं घर पे। और भाई वीडियो का पता नहीं क्या ही चक्कर पड़ रहा है मोबाइल में, आई थिंक बग आया मेरे फोन में। मतलब मैंने अपडेट नहीं किया ना सॉफ्टवेयर इसका, iOS 18 आ चुका है बट मेरा अभी भी 17.5 पे या फिर 17 आई थिंक इतने कुछ पे ही चल रहा है, मे बी 16 पे ना चल रहा हो। तो देखो क्या सीन हुआ, जैसे ही खेत में गया वीडियो मेरी आधी बनी थी, साथ ही साथ फोन स्विच ऑफ हो चुका था। पता नहीं क्या ही चक्कर पड़ रहा है, दिखाना पड़ेगा फोन। और अभी फिलहाल मैं घर आ चुका हूँ और थोड़ी देर में भाई कटिंग वगैरह करवाने चलते हैं। देख सकते हो भाई बाल कितने बड़े बड़े हो रखे हैं, दाढ़ी भी करवा के आएंगे सेट। तो फिलहाल घर आ चुका हूँ, अभी लंच वगैरह करके चलेंगे, या तो दुकान से आने के बाद या फिर दुकान पे जाने से पहले, जैसे भी जाएगा देखते हैं। फिलहाल घर बैठते हैं अपने आराम से। पिताजी राधे राधे। ये चीज़ चेक करो भाई, दीदी ने ना यहाँ पे असली पत्ते डाले हुए हैं इसके अंदर, देखो टहनियाँ तोड़ तोड़ के, और ये सारी भाई सूख चुकी हैं, सारी मुरझा चुकी हैं। ये फिर भी ठीक है बट ये छोटे छोटे मुरझा चुके हैं। भाई अभी दुकान से घर आए थे और भाई एक सीन क्रिएट हो चुका है। सीन क्या था, मेरे को सुबह से नहीं पता था कि आज गड़बड़े हैं, और अभी शाम को मेरा शाम ऑलमोस्ट दिन खत्म होने वाला है, शाम के 5:30 हो रखे, उस निकालने के लिए घर आया था। अब जाके पता लगा कि गड़बड़े भी हैं आज, मतलब त्यौहार है आज कोई, मतलब यार एक एक्साइटमेंट जो थी होती है त्यौहारों की, एक तरह से वही खत्म हो चुकी है पता नहीं क्यों। वरना इन जैसे त्योहारों का तो भाई इतना बेसब्री से इंतजार रहता था कि ये आएंगे तो हम इतना मजा करेंगे, ये वो फाउंडम का। फिलहाल अभी दूध निकाल लेते हैं, वही दिनचर्या डेली की, बाकी मम्मा से भी कंफर्म करते हैं कि आज ही हैं या नहीं, मेरे को अभी भी श्योर नहीं हूँ मैं। तो पहले गौओं को सबको अंदर बांध देते हैं। मम्मी जी आज गड़बड़े हैं ना, अब मैंने तो खाना बैठ कर पता लगा गड़बड़े आज, मैंने त्योहार भी नहीं पता त्योहार भी आज है। मैंने नहीं सुना, मैं दुकान पर गया भैया, वो ग्राहक आया है दुकान पर, वो कह रहा है रात जल्दी जल्दी सामान दरवा दे फिर तो नोका त्यौहार भी मत पड़ेगा। मगर त्यौहार कौन सा नोकर पड़े मका है मगर। वाह भाई अभी ना सोच रहा था कि खेड़ी जाऊं बाल वगैरह कटवाने के लिए, बट भाई आज मेरे को याद नहीं था कि त्यौहार भी आज, तो मुश्किल ही रहेगा भाई, कल ही देखते हैं। कल भी वीरवार रहेगा तो भाई कल भी बाल नहीं कटेंगे, तो सीधा परसों पे गिरी है बात। अब जाके अभी फिलहाल चलते हैं दुकान पे, वहाँ पे जाके देखते हैं, मनाऊँ पापा को फिर तो चला जाऊँगा, बट देखते हैं जो भी रहेगा। पापा से कुछ कहते हैं कि बाल वगैरह कटवाया हूँ, तो जैसे भी रहेगा देखते हैं। अभी फिलहाल दुकान चलते हैं, चलो यार। लो भाई कल्लो बात वही बात हो गई है, पापा जी ने साफ मना कर दिया कि त्योहारों का दिन है तो मत जाइए आज, और लेट भी काफ़ी हो चुका है भाई। टाइम बेशक अभी 6:30 ही हुए हैं बट भाई लेट हो चुका है, अंधेरा काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, और भाई खेड़ी कम से कम यहाँ से 6-7 किलोमीटर दूर है, तो दिक्कत है यार थोड़ी। बस पापा जी ने मना कर दिया तो भाई रुक जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, परसों ही जाएंगे। अभी फिलहाल दुकान में बैठे हैं, थोड़ी देर में दुकान वगैरह बढ़ा के फिर चलते हैं घर पे। घर जाके भाई जो गड़बड़े हैं त्यौहार है आज तो उनका मत्था टेकेगा, तो दिखाएंगे आपको सारा कल्चर जो भी रहेगा। बाकी आज भाई मैं पूरा ही भूल चुका था कि आज त्यौहार भी है, मेरे को पता ही नहीं था, क्योंकि यार एक ना जो एक्साइटमेंट है ना त्यौहारों की, पता नहीं क्यों यार थोड़ी कम होनी स्टार्ट हो चुकी है। वरना पहले ना भाई जैसे स्कूल में थे तो एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा थी ना इन चीज़ की, इतनी ज़्यादा इतनी मतलब कि पता है कि उस दिन गड़बड़ है, अगर स्कूल की छुट्टी भी ना हो तो भाई छुट्टी मारते थे, बल्कि त्यौहार ये शाम का था बट सुबह से छुट्टी थी इस चीज़ की, इतना मतलब एक्साइटमेंट थी। और अब यार बस होली दिवाली इन्हीं की दो एक्साइटमेंट है जो थोड़ी बहुत है, बट या तो इसे थोड़ा मैच्योरिटी की तरफ लगाओ या फिर थोड़ा डाउन फेस की तरफ लगाओ, कुछ भी मतलब
कुछ भी लगा सकते हो, जिंदगी में उतार चढ़ाव चले पड़े हैं अब तो। अभी फिलहाल बैठते हैं दुकान पे, जो रहेगा आपको दिखाएंगे। सो गाइस अभी दुकान से घर आ चुके हैं और घर आके भाई दीदी के फोन से भी रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। मेरे फोन में भाई सब चेकिंग हो रखी है, देख सकते हो आप, पता नहीं क्या ही चेक करेंगे लुमार। मम्मी जी मतलब किशन टीका का पापा जी तो बैठे दुकान पर, बंदे रखे पापा के पास। चलता हूँ टेक ले तेरा मक्का। मैं कल ही टेकू बोला पापा जी। खाल दवाई ले ले। दोबारा मैं अपने फोन पे स्विच कर रहा हूँ और अभी भाई मैं तो सोच रहा था कि नहा धो के मत्था टेकूंगा, बट मेरी माता बोल रही है कि भाई ऐसी मत्था टेक ले, नहाने के बाद एक बार दोबारा टेक लेंगे। चांदी का दीवा सोने की रात। नहीं मम्मी बस मैंने वो दोनों दो गड़बड़े दो दीदी रख लेगी। ले ले एक एक गड़बड़ा खांसी की दवाई ले ले। सो गाइस अभी बारी आ चुकी है गड़बड़ों को लेके पूरे घर में घुमाने की, और अभी दिखाता हूं आपको थोड़ा थोड़ा होम टूर भी हो जाएगा ये। अभी अपने छत पे आए हैं लेके इसे, ये दीदी का कमरा है। ये कमरा मेरा है छोटा सा। बाहर भी लेके चलते हैं चलो। ये नीचे अपनी भाई बरामदा छोटा सा। ये भाई माँ जी का कमरा देखो। ये ड्राइंग एरिया। ये मेरी माता की किचन और मेरी माता। ये मम्मी पापा कमरा, और भाई जितना भी ये गंद खिलरा पड़ा है भाई इसे इग्नोर करना। ये मेरे दोस्त बुद्धा। अभी थोड़ी देर पहले हम वहां थे ऊपर, और ये हमारी तुलसी माँ, ये हमारे गौरव भाऊ का कमरा। चिड़े चली गई क्या यहाँ पे? ये किसका बेड है दीदी? वो है ना 4 बजे बने फूल उतर जाए। सीता मैया ने ना भाई बुद्धा जी मेरी बाइक की चाबी है, फिर गाड़ी की चाबी पकड़े रहते हैं, आज इनके हाथ में ये गड़बड़ा रख देंगे। मेरा तो इन्होंने ले लिया। इन्हें पकड़ लिया मेरा तो एक। मम्मी मम्मी जी आइयो एक मिनट देखियो दीदी। तो बड़ी बहन है कुछ नहीं देते। अरे नहीं मैं यही बात कहना मेरे तो पदर दिए जा।
गाने क्या सुना पहला फिर दूंगा भी गाने क्या सुना पहला गाना तन्ने फिर थोड़ी मिले करा सब गज ले लिए अच्छा पैसे नमस्ते पैसे सब ने मिलांगे जो सा गाना गावागा उसने मिलांगे पैसे अच्छा एक बार दोबारा कह दो सीधे सीधे चल पीहू क्या कह रहा है बाय लवर ले जो सुबह से भी पूजा करके नहा धो के मत्था टेक के एकदम मस्त बड़े रिलैक्स हो चुके हैं और अभी भाई मम्मी के हाथ के एकदम बढ़िया मस्त राजमा चावल खाएंगे टेस्टी टेस्टी और भाई पापा जी भी आ चुके हैं तो फटाफट डिनर करके पापा जी के पास चलते हैं और जाके घर बड़ों के पैसे मांगते हैं तो चलते हैं यार अभी पहले डिनर कर लेते हैं। सो गाइस अभी डिनर कर लिया और अभी चलते पापा के पास पैसे मांगते हैं। पापा जी हाँ जी बैठे हो क्या बात है आज क्या है गड़बड़े ले आओ फिर पैसे एक रुपया तो जी तेने देवांगे दो भी दे दो एक रुपया दे दो बहुत एक रुपया बैठे हो क्या करा टोपी खा लिए बता दियो। सो गाइस एज यू नो अभी पापा के पास गए थे पैसे वगैरह मांगने के लिए गड़बड़ों के नाम के तो भाई जैसे ही पापा के पास गए पापा जी ने अपने एटीएम कार्ड दे दिए उठा के कि ले तू भी याद रखेगा तो भाई पापा जी ने विश्वास के साथ दिया तो भाई मिसयूज तो नहीं करेंगे वापस ही कर देंगे यार एटीएम कार्ड क्या ही करेंगे पापा चलते फिरते एटीएम है मेरे। तो फिलहाल यार अभी करते हैं वीडियो को एंड अपनी वीडियो की एडिटिंग स्टार्ट करते हैं तो बस यार आज की वीडियो में इतनी जल्दी मेरे वीडियो के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टे ट्यून्ड स्टे हेल्दी बाय बाय।